नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2023 को लेकर, बीएड एग्जाम और एलएलबी एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट यहां पर सामने आ रही है। दो चीजें हैं, एग्जाम फॉर्म की डेट बढ़ी है भैया एक बार फिर से, और यहां पर एग्जाम डेट भी यहां पर बताई गई है, एलएलबी की भी और बीएड की भी, चाहे बीए बीएड हो, बीएससी बीएड हो या बीएड टू वर्षीय कोर्स हो, सभी की एग्जाम डेट के बारे में भी यहां पर जिक्र किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ चुका है। ध्यान रखें, एलएलबी एग्जाम की बात हो रही है, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो। बात करें डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से, एलएलएम वगैरह, टैक्सेशन वगैरह हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, वो सारी चीजें इसमें आ गई। बीएड की बात करें तो बीएड टू ईयर हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, या फिर बात करें बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, जो फोर्थ ईयर जो है बीए बीएड वाले और जो बीएससी बीएड वाले, यानी कि इंटीग्रेटेड जो कोर्स रहता है, उनके एग्जाम को लेकर बड़ी अपडेट है। पहले बात करता हूं एक नोटिस के बारे में जो आया है एग्जाम फॉर्म को लेकर। जिसने भी अभी तक एग्जाम फॉर्म नहीं भरा है भैया, ये अंतिम मौका यूनिवर्सिटी ने दिया है, ये चीज आप ध्यान रखें। जिसने भी एग्जाम फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, बीएड का हो चाहे एलएलबी का हो, ये चीज आप ध्यान रखें। अंतिम तिथि आपको दे दी गई है यहां पर 12 मई से और 16 मई तक, 12 मई से 16 मई 2023 तक आपको एग्जाम फॉर्म भरने का एक बार फिर से मौका दिया गया है, ये चीज आप ध्यान रखें। और ₹500 लेट फीस के साथ में मौका दिया गया है। तो जिसने भी अभी तक एग्जाम फॉर्म बीएड का हो, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, चाहे एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो, या फिर डिप्लोमा कोर्सेज को लेकर हो, या फिर बात करें बीए बीएड वाला हो, चाहे बीएससी बीएड वाला, कोई सी भी कक्षा का हो, अगर एग्जाम फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो भर देना भैया। अंतिम तिथि आपके सामने है 16 मई 2023, ₹500 लेट फीस के साथ में फॉर्म भरे जा रहे हैं, ये अपडेट हो चुकी है। इसके बारे में आपके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड ये चीज आप ध्यान के, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में आपको हार्ड कॉपी जमा भी करवानी होती है। तो ये नोटिस आ चुका है, ऑफिशियल अपडेट, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी एग्जाम डेट के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले आपको बता दूं, दोनों के बारे में अलग बातें कही गई हैं। एलएलबी की बात करते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं इनमें एलएलबी में, उनकी बात करते हैं तो उनकी डेट यहां पर क्या दिया गया, 31 मई से प्रस्तावित है एग्जाम, ऐसा कहा गया है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, 31 मई से प्रस्तावित, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जहां पे लिखा गया है, जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है, क्या इसके बारे में कहा गया, एलएलबी डिप्लोमा 31 मई से प्रस्तावित। अब बात करते हैं यहां पर बीएड के बारे में, बीएड फर्स्ट ईयर हो गया और ये सेकेंड ईयर हो गया, और इसकी बात करते हैं बीए बीएड और बीएससी बीएड, है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ, ये इन सभी के बारे में बात हो गया। इनकी एग्जाम कब से है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो भैया एलएलबी वालों की तो एग्जाम है 31 मई से प्रस्तावित, ये चीज आप ध्यान रखें, लेकिन बाकी जो बच गए वो जून में है भैया, और आपको स्क्रीन पर इसका भी देखने को मिल रहा है डेट, आपको ध्यान रखें। तो 7 जून आपको डेट यहाँ पे देखने को मिल रही है, 7 जून 2023, यानी कि जून के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं, ये ध्यान रखें। अभी प्रस्तावित हैं ऐसा कहा गया है, अभी तो इसको लेकर टाइम टेबल आना बाकी है, ये चीज आप ध्यान रखें, जल्द ही इसका टाइम टेबल भी आ जाएगा, लेकिन अभी आपको ऐसा कह दिया गया है कि प्रस्तावित हैं, इस डेट को एग्जाम आपकी हो सकते हैं, इस डेट से आपके एग्जाम शुरू हो सकते हैं। तो इसके 10-15 दिन पहले आपको टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा, मैक्सिमम ये मान के चले आपको 15 दिन से ज्यादा मतलब आपको समय दिया नहीं जाएगा, और ये मान के चलिए कि जैसे अगर 7 तारीख से है तो आपका 25 तारीख के आसपास आपका टाइम टेबल देखने को मिल सकता है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये बड़ी अपडेट है यहां पर, और इधर की बात करें 31 मई से एलएलबी की है तो 10 दिन पहले आपको भी टाइम टेबल देखने को मिल जाएगा। तो ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो बड़ी अपडेट आज की डेट में जो आई है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पीडीएफ अपलोड है, और जो मैंने आपको यहां पे दिखाया है अभी, ये ऑफिशियल पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कठपुतली एजुकेशन के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, उसको आप पूरा पढ़ लेंगे, अगर कोई सवाल आपका फिर से और कोई रह गया है तो, या फिर चैनल पर कमेंट कर देंगे, आपको जो हम देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, बीएड को लेकर अपडेट थी, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम, बहुत ज्यादा सवाल आ रहे थे कि एग्जाम कब होंगे, मई में होंगे, जून में होंगे, जुलाई में होंगे, और जिनके भी सवाल आए थे, हालांकि मैंने बताया था उनको जून में एग्जाम होंगे, और ठीक वैसा ही यहां पर नोटिस आया, और आप नोटिस आप देख सकते हैं, जून के फर्स्ट वीक में आपको एग्जाम देखने को मिल रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित कहा गया, और जब टाइम टेबल आ जाएगा तो आपको कंफर्म और हो जाएगा किस डेट से हमारी एग्जाम है, ये चीज आप ध्यान रखें। ठीक वही एलएलबी का नोटिस था। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारी अपडेट्स आपको चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी, जो भी एजुकेशनल अपडेट्स होती हैं सारी मिलती हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं, ये चीज आप ध्यान रखें। चैनल को आप रिव्यू कर सकते हैं, बीएड के विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी जो हमारे से नहीं जुड़े हुए वो देख लेंगे,
चैनल को एक तरीके से, और उसके बाद में हमारे जो प्लेलिस्ट बनी है उनको भी देख लेंगे, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर हो या फिर हम बात करें इसका बीएड राजस्थान यूनिवर्सिटी वगैरह, इन सभी यूनिवर्सिटी के मतलब के आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलते हैं। तो आने वाले समय में सभी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इंस्टाग्राम के माध्यम से आपके सवालों के जवाब मैं दे सकता हूं, इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम पर हम डेली एजुकेशनल अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।